हेलो डियर, तो आज का वीडियो लेने के मकसद यही है कि आप लोग का नॉलेज को भी बूस्ट किया जाए। जी हाँ मेरे डियर, नॉलेज के बूस्ट होने से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है चेंजेज आएगा। मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का मैं लेकर आया हूँ, जिसमें नॉलेज बूस्ट करने वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आपको कुछ वीडियो दिया जाए जिसमें आपको छोटे छोटे जो चीज़ें होता है जो नहीं समझ में आता है वो सारे चीज़ क्लियर होंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफिनीशन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखने में मदद मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है, इसमें बहुत सारे नए नए चीज़ों को आप लोग समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको शुरू। ओके, तो यहाँ पर जो आपका है कह रहा है मुख शब्द, हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उसको जो है हम लोग समझेंगे, वर्ड है उसके मीनिंग के बारे में समझेंगे, टर्म के बारे में। ठीक है, जैसे ग्रेविडा, मिडवाइफरी गायनकोलॉजी में ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? तो ग्रेविडा का मतलब होता है ऐसा स्त्री जो गर्भवती हो। ठीक है, ग्रेविडा हम लोग गर्भवती स्त्री को कहते हैं। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा हम किसे कहते हैं? प्राइमी मतलब पहला, प्राथमिक, ठीक है, प्रथम, और ग्रेविडा मतलब गर्भवती, समझ गए? तो प्रथम बार गर्भवती होने वाली स्त्री को हम लोग प्रथम वर्गा यानी प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। अगर कोई स्त्री है, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल शादी का हुआ और प्रथम फर्स्ट टाइम अगर वह प्रेगनेंसी में है, गर्भवती है, तो उसे हम लोग प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, प्रथम गर्भवती। ओके, आगे है यहाँ पे मल्टी ग्रेविडा। मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारा, मतलब एक से अधिक। ठीक है, तो मल्टी ग्रेविडा मतलब, ग्रेविडा मतलब गर्भवती और मल्टी मतलब अधिक, एक से अधिक, मतलब वैसा स्त्री जो एक से अधिक बार प्रेगनेंसी रख चुकी है वैसे हम लोग मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, बहुप्रसरवा स्त्री, एक बार से ज़्यादा बार गर्भवती हुई हो वैसा स्त्री। ठीक है, वैसा स्त्री जो एक से अधिक बार बच्चे को जन्म दे चुकी हो, एक से अधिक बार वह प्रेगनेंसी रह चुकी हो, उसे हम लोग मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप में, ठीक है, थियोरिकल टाइप में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मल्टी ग्रेविडा का मतलब इनमें से क्या होगा, बताइए। ऑप्शन दे देगा, गर्भवती महिला, दो बार गर्भवती महिला, ठीक है, जो कभी गर्भवती नहीं हुई हो। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझे रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, या इंटरव्यू में भी पूछ देगा कि बताइए नूलीपरा का मतलब क्या होता है। अब आप जानवे नहीं करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है ग्रेविडा वाला टॉपिक, तो कहाँ से होगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे प्राइमी परा। ठीक है, प्राइमी परा, ठीक है, प्राइमी परा, प्राइमी परा का मतलब होता है प्रथम प्रसरवा। देखिए, पारा वाला ग्रेविडा आएगा गर्भवती, ठीक है, गर्भवती की बात करेगा, पारा आएगा तो समझ जाइएगा यह प्रसर्व की बात कर रहा है, लेबर की बात कर रहा है। तो प्राइमी परा का मतलब होता है कि प्रथम प्रसर्व, गिविंग बर्थ फॉर फर्स्ट टाइम, वैसा स्त्री जो अपने बच्चे को प्रथम बार जन्म दे रही हो वह होता है प्राइमरी परा यानी प्रथम प्रसर्व। ठीक है, मल्टी परा का मतलब होता है वैसा स्त्री जो एक से अधिक बार बच्चे को जन्म दे चुकी हो। ठीक है, जो एक से अधिक बार प्रसर्व कर चुकी हो। ठीक है, बहुप्रसरवा, वह स्त्री जिसने एक से अधिक बच्चे को जन्म दे दिया हो। ठीक है, लेबर मतलब क्या होता है? बच्चे को जन्म देना, और एक से अधिक जब बच्चे को जन्म दे चुकी है मतलब वह मल्टी परा में आ गई। ठीक है, और अगर कोई प्रथम बार ही बच्चों को जन्म दी है तो वह प्राइमी परा में आएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका नूली परा। ठीक है, क्या चीज़ आता है? नूलीपरा, और नूलीपरा का मतलब जो होता है, या तो नूलीपरा का आप कह सकते हैं, परा मतलब क्या होता है? प्रसर्व। ठीक है, और नूली मतलब होता है नल, बिल्कुल नहीं, खाली। ठीक है, तो वैसा स्त्री या तो बांझ होगा, ठीक है, बांझपन जिसको बोलते हैं, या वह कभी भी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, तो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई मतलब बांझ। ठीक है, कभी भी वह बच्चे को जन्म दी ही नहीं, वही नूलीपरा होता है। ठीक है, तो ए आपका हो गया नली परा, चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो ए आपका आ गया प्रसर्व और गर्भवती से रिलेटेड जो वर्ड होता है,
जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में परेशान कर सकता है, ग्रेविटा और पारा वाला, तो वो मैंने आपको आज यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आता है कुछ चीज़ें, ड्यूरेशन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ड्यूरेशन समझना। तो नॉर्मल जो जन्म की अवधि माना जाता है वह बच्चे के नॉर्मल जन्म अवधि 37 से लेकर 42 सप्ताह के बीच, ठीक है, 37 से लेकर 42 सप्ताह के बीच। ऐसे तो 37 से लेकर 40 सप्ताह ही माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी को, बच्चे को, जन्म को, बट ठीक है 40 से भी ज़्यादा रहता है तो ठीक ठाक है। प्री टर्म, प्री टर्म के मतलब होता है समय से पहले, ठीक है, समय से पहले भी बच्चा जन्म ले लेता है। मान गए समय अगर 9 महीना है, 9 महीना से पहले ले लिया जन्म तो क्या आ जाएगा, प्री टर्म में आ जाएगा। तो अप्री टर्म के बच्चे जो होते हैं वह अपरिपक्व होते हैं, समय से पहले जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वह पूरा परिपक्व मेच्योर नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो 20 से लेकर 36 सप्ताह के बीच में जन्म लेता है वह प्री टर्म के बेबी होती है। जैसे देख सकते हैं 37 से लेकर 42 है तो वह टर्म वाला है, मतलब ठीक ठाक समय वाला है, नॉर्मल वाला है। लेकिन जैसे ही 37 सप्ताह से पहले हो जाएगा, यानी 20 से 37 हो जाएगा, तो वह प्री टर्म बेबी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पोस्ट टर्म, पोस्ट टर्म के मतलब होता है कि ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक है। किसी किसी को देखते हुए कोई कोई महिला बच्चे को जन्म जो है टर्म से भी ज़्यादा टर्म में बच्चे को जन्म देती है, एक्सेस हो जाता है, उसे हम लोग पोस्ट टर्म कहते हैं, यानी समय के बाद। और ये होता है 42 सप्ताह के बाद के जन्म। अगर कोई महिला अपने गर्भ प्रेगनेंसी के 42 सप्ताह के बाद अगर बच्चे को जन्म दे रही है, मतलब वह जो है पोस्ट टर्म में चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जन्म का अवधि है, मैंने बता दिया यह नॉर्मल है, यह प्री टर्म है, यह पोस्ट टर्म है, चीज़ें समझ गए ये भी। चलिए आगे चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन परीक्षण से रिलेटेड लेकर आया हूँ। जैसे आपके गर्भ अवस्था में कौन कौन से स्क्रीनिंग जाँच होता है, कराना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको बन सकता है, यहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज गेन हो सकता है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से टेस्ट का क्या काम है, वह किस लिए करवाना चाहिए टेस्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गर्भ अवस्था में जाँच, स्क्रीनिंग टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। पहला है अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन जिसे हम लोग AFP कहते हैं, यह जांच क्यों करवाते हैं। तो यह जांच न्यूरल ट्यूब में दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब जो बच्चा है, जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब में कोई दोष तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ताकि वह बच्चे भ्रूण पर प्रभाव डालेगा। तो इसलिए यह अल्फा फीटोप्रोटीन का जाँच किया जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को पता लगाने के लिए, ठीक है, दोष को पता लगाने के लिए, समझ गए। डाउन सिंड्रोम व अन्य जन्मजात दोष 14 से 15 सप्ताह में पता लगाते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट से हम लोग डाउन सिंड्रोम अगर कोई बच्चा है वो भी पता लग सकता है, और अन्य कॉन्जेंटल डिसऑर्डर एबनॉर्मिलिटी है उसका भी पता लग सकता है, लेकिन 14 से 15 सप्ताह में ये चीज़ें करवाने पर होता है। तो बेसिकली जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है यह गर्भ में पल रहे बच्चे को, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में जन्मजात बीमारी से ग्रसित होने पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए AFP टेस्ट अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का जांच किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जांच आपका। आगे प्रेगनेंसी के दौरान जो जाँच होना चाहिए, TB का, HIV का, रूबेला का, ठीक है, तो उसके बाद है टोक्सोप्लास्मिस का, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए वर्सेला, ठीक है ना, वर्सेला जोस्टर वायरस का। तो ये सब संक्रमण वाला जांच है, जो संक्रमण वाला जांच जो है करवाना चाहिए एक महिला में, ताकि उसके प्रेगनेंसी का उसको खतरा ना पहुँचे, साथ में उसके इस संक्रमण के कारण उसके भ्रूण जो पल रहा है उसको भी यह दोष ना हो। इसलिए जितने भी संक्रमण जाँच होता है क्रिटिकल वाला, HCV वगैरह, ठीक है ना, ये सारे जांच जो है, रूबेला वगैरह, ये सब जांचें करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है RH फैक्टर का और कॉम्बो टेस्ट का हीमोलाइटिक स्थिति के लिए करते हैं, ठीक है।
आरएच फैक्टर का टेस्ट हम लोग कॉम्बो टेस्ट करते हैं, किस लिए? हीमोलाइटिक कंडीशन के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि पता लग जाए पहले। आगे हम लोग सीरम ग्लूकोज का मॉनिटर करते रहते हैं और गर्भस्थ मधुमेह का पता 26 से 28 सप्ताह में करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या होता है, जब महिला प्रेगनेंसी में जाती है तो हम लोग ग्लूकोज का भी टेस्ट करते हैं, करवाते हैं, मॉनिटर करते हैं, ताकि इससे पता लगे कि महिला डायबिटीज का शिकार तो नहीं है। और गर्भस्थ मधुमेह जो है का पता आपको 26 से 28 सप्ताह में हम लोग कर लेते हैं, ताकि अगर मधुमेह महिला में है तो उसका मैनेजमेंट पहले से किया जा सके, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज का भी टेस्ट होता है, जितने भी इन्फेक्टियस बीमारी है उसका भी जांच करवाना ज़रूरी है। आरएच फैक्टर का जांच करते हैं, आरएच असंगतता के लिए, कॉम्बो टेस्ट करते हैं हीमोलाइटिक स्थिति के लिए, ठीक है। तो ये सारे जांच जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस बी समूह, ग्रुप बी के स्ट्रेप्टोकोकस के लिए 36 सप्ताह में जांच करते हैं। यह एक संक्रामक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, यह 36 सप्ताह में हमें इससे जांच करनी चाहिए, ठीक है, जांच करनी चाहिए। आगे है हम लोग कोरियोनिक भिली एवं एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जिसे 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में कोई क्रोमोसोनल एबनॉर्मिलिटी की पहचान किया जा सके। तो बेसिकली ये जो कोरियोनिक भिली होता है या एमनियोसेंटेसिस जो होता है, यह मान के कोई महिला अधिक उम्र की है, ठीक है, 30 प्लस है और वह प्रेगनेंसी में है, तो वैसे महिलाओं के बच्चे को क्रोमोसोनल एबनॉर्मिलिटी होने की खतरा रहता है, ठीक है, गुणसूत्रीय असमानता। तो इसके लिए हम लोग कोरियोनिक भिली का जाँच करते हैं। इसमें होता यह है कि जो प्लेसेंटा होता है उसके कुछ भाग टिश्यू को हम लोग सैंपल के रूप में लेते हैं और उसको लैब में भेजते हैं जांच के लिए, जिसे पता चलता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोनल डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, मैनेजमेंट में जो संभव होगा वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एमनियोसेंटेसिस से भी पता लगता है क्रोमिनल डिसऑर्डर का, क्रोमिनल एबनॉर्मिलिटी का। एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उसको निकाला जाता है, लैब में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारे जांच है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होनी चाहिए और करवानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जांच से ही पता लगेगा कि महिला में क्या समस्या है और वह समस्या उसके बच्चे के लिए कितना जो है सही है या गड़बड़ है, जिसे समय रहते पहले ही उसका मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है ना। इन सारे जांच का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ओके। चलिए, तो ये मैंने जांच आपको बता दिया कि इन सारे जांचों को करवानी चाहिए। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के बारे में। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं ट्रू लेबर क्या होता है, फॉल्स लेबर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि वाकई में ट्रू लेबर यानी वास्तविक और फॉल्स लेबर यानी अवास्तविक प्रसव क्या होता है, ठीक है। चलिए, ट्रू लेबर देखिए, ट्रू लेबर जिसे हम लोग वास्तविक प्रसर्व कहते हैं, वास्तविक प्रसर्व में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई महिला ट्रू लेबर, ट्रू लेबर मतलब उसे प्रसर्व होने वाला है, आप कैसे पहचानेंगे कि यह सही प्रसर्व का लक्षण है, वास्तविक में प्रसर्व होने वाला है जिसका लक्षण है, तो उसके लिए उसे हम ट्रू लेबर कहते हैं। और उसके लिए क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। इसमें नियमित अंतराल पर गर्भाशय में दर्द युक्त संकुचन उत्पन्न होता है। ट्रू लेबर का लक्षण होता है कि जो दर्द होगा, जो पेन होगा, वह कंटिन्यू होता है, ठीक है, और धीरे धीरे अवधि के साथ में यह बढ़ते जाता है, समझ गए। और यह तब होता है जब आपके गर्भाशय में कंट्रैक्शन जो है उत्पन्न होता है, तो यह और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जाता है ट्रू लेबर में। संकुचन समय के साथ तीव्र एवं अधिक समय के लिए होता है। ट्रू लेबर में होता यह है कि जो यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है, संकुचन जो होता है, जिससे बच्चा आगे की तरफ धकेला जाता है बाहर निकलने के लिए, तो यूट्रस में कंट्रैक्शन समय के साथ तेज़ी से और अधिक समय के लिए होता है। तो ये वास्तविक का लक्षण है, ठीक है। आगे है वास्तविक प्रसर्व में सर्विक्स में फैलाव व सिकुड़न होता है। अब चूँकि जानते हैं सर्विक्स दरवाज़ा है वजाइना का और अंदर यूट्रस का बीच का यह द्वार होता है, तो सर्विक्स में वास्तविक प्रसर में ट्रू लेबर में सर्विक्स आपका जो है फैलाव सिकुड़ाव शुरू हो जाता है सर्विक्स में ग्रीवा में, ठीक है। आगे है इसमें पानी की थैली बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है।
ट्रू लेवर में जो होता है इसमें एक पानी के जैसे थैले का निर्माण हो जाता है जब ये चीज़ें ट्रू लेवर शुरू रहता है तो, ठीक है। इसमें सो विद्यमान रहता है, मतलब इसमें जो सो होता है, जो भाग होता है वह दिखाई देता है, ठीक है। इसमें इंटरनल ओएस फैलाव रहता है, इसमें जो आपका दरवाज़ा होता है बच्चे को निकलने वाला जो द्वार होता है वह इंटरनल ओएस जो होता है वह फैला हुआ रहता है, ठीक है, एकदम स्पष्ट लगेगा, ठीक है। आप लोग एक्सपीरियंस अगर किए होइएगा किसी जानवर का तो देखते होइएगा कि वह दरवाज़ा, बच्चा आता है दरवाज़ा पर बट इतना जल्दी नहीं निकल पाता है, यानी उसके इंटरनल ओएस दिखता रहता है दरवाज़ा, ठीक है, मुँह द्वार जिसे बोलते हैं, ओके। अब ये सारा चीज़ वास्तविक में होता है, फैलाव, सिकुड़ाव, ठीक है, सो विद्यमान, बैग ऑफ वाटर, सर्विक्स का फैलना, सिकुड़ना, कंस्ट्रक्शन का तेजी के साथ समय के साथ बढ़ते जाना, ठीक है, अनियमित गर्भाशय में दर्द होता है, संकुचन होता है, ठीक है, और यह कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि यह ट्रू लेवर है, लेवर का सही वास्तविक होता है, इसलिए यह कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अब आप फल्स लेवर में चलते हैं, जो झूठा प्रसर्व का लक्षण होता है, यह मल्टीपरा स्त्रियों की तुलना में प्राइमेग्रीविडा महिलाओं में अत्यधिक होता है। फल्स लेवर जो होता है, जो लगेगा कि अब बच्चा अब जो है लेवर हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन फिर शांत हो जाएगा, ठीक है, तो यही फल्स लेवर होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि अब जो है डिलीवरी होने वाली है, अब लेवर होने वाली है, बट ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर शुरू होगा, फिर शांत हो जाएगा, तो यही जो है फल्स लेवर होता है, ठीक है। जबकि ट्रू लेवर में क्या होता है, समय के साथ बढ़ते जाता है कंटिन्यू, ठीक है ना। और ये फल्स लेवर जो होता है, यह मल्टीपरा, मतलब एक से अधिक बार जो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है ना, बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो उसके तुलना में जो प्रथम बार गर्भवती महिला होती है उसमें यह ज़्यादा दिखने को मिलता है, ठीक है। फल्स प्रसर्व लेवर जो होता है यह प्राइमिक ग्रेविडा में ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि प्रथम बार जो महिला गर्भवती होती है उसमें फल्स प्रसर्व ज़्यादा दिखने को मिलता है, कि दर्द शुरू हुआ अचानक तेज़ी से, फिर लगेगा कि अब लेवर हो जाएगा, प्रसर्व होगा, प्रसर्व का समय आ गया, लेकिन पता चलेगा फिर नॉर्मल हो गया, तो ये प्राइमिक ग्रेविडा में ज़्यादा होता है, ओके। इसकी अवधि मल्टीपरा स्त्रियों में कुछ दिन व प्राइमिक ग्रेविडा में 2 से 3 सप्ताह तक होती है, ठीक है। तो देखिए, इसकी अवधि मल्टीपरा स्त्रियों में कुछ दिन, फल्स लेवर जो होता है ना, जब लेवर का समय नज़दीक आ जाता है तो फल्स लेवर जो एक से अधिक बार बच्चे को जन्म दे चुकी है महिला मल्टीपरा वाली, वह उसमें यह ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं करता है, ठीक है। जब लेवर नज़दीक आ जाता है तो कुछ दिनों में लेवर हो जाता है, ठीक है, फल्स प्रसर्व कुछ ही दिनों तक परेशान करता है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रथम बार गर्भवती महिला है उसमें यह ज़्यादा परेशान करता है, यह 2 से 3 सप्ताह लेवर से पहले ही से दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा, कभी अचानक होगा, कभी बंद हो जाएगा, कभी तेज़ी से फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, आराम करने से। तो इस प्रकार से यह जो है साइन देने लगता है लेवर का, लेकिन यह पहले 2-3 सप्ताह पहले देने लगता है प्राइमेग्रीविटा में, ठीक है। तो यह अवास्तविक अथवा आभासी प्रसर्व का लक्षण है, ठीक है, समझ गए। अब इसके लक्षण देखिए, अब वो तो मैंने समझा दिया कि क्या होता है नहीं होता, अब यहाँ पे लक्षण देखिए आभासी या अवास्तविक फल्स लेवर का। अवास्तविक प्रसर्व गर्भाशय संकुचनों से संबंधित नहीं होता है। जो आभासी प्रसर्व होता है अवास्तविक, इसमें यूट्रस का कंट्रैक्शन जो है शुरू नहीं होता। यूट्रस का अगर कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा मतलब वह लेवर के लिए रेडी है, ठीक है, तो इसमें जो है संकुचन से संबंधित ये नहीं होता है। इसमें दर्द की प्रवृत्ति धीमी और निरंतर होती है। ये जो फल्स लेवर होता है इसमें दर्द कभी उतार चढ़ाव होते रहता है धीरे धीरे, ठीक है ना, ये होते रहता है। इसका सर्विक्स के डिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपका फल्स लेवर है, लेवर में अभी समय है लेकिन दर्द लेवर की तरह होने लगा है, तो आपके सर्विक्स के डिलेशन में फैलाव में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। इसे एनीमा व सेडेटिव औषधि देकर समाप्त किया जाता है। और अगर आपका फल्स लेवर हो का लक्षण है तो उसमें दवाई एनीमा सेडेटिव देने पर वह शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ट्रू लेवर में कितना भी दवाई दे दीजिएगा, कुछ दे दीजिएगा, वह कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वह लेवर अब होने वाला है, समझ गए। तो यही ट्रू और फल्स लेवर होता है, ठीक है। फल्स लेवर आपको जो है
झूठा है एहसास दिलाएगा लेबर का, समय अभी रहेगा ठीक है ना, लेकिन जो ट्रू लेबर फल्स लेबर झूठा एहसास दिलाएगा लेबर का ठीक है ना, दर्द वगैरह होगा लेकिन वो उतना जुड़ा हुआ उससे नहीं होता है, लेकिन जो ट्रू फल्स लेबर होगा ट्रू लेबर होगा वह समझिए कि नज़दीक है, उसमें कोई चीज़ दे लीजिएगा शांत नहीं होगा ठीक है, वह होकर ही रहेगा लेबर। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें लगा करा दिया। अगर आप बने रहते हैं चैनल पर तो आपको बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे नॉलेज वाला वीडियो मिलता रहेगा और हम लोग आपके लिए बेहतर करते रहेंगे ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।